वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। कृपया इसका कोई गलत उपयोग ना करें। हेलो दोस्तों, देखिए मेरे पास आज आया हुआ है ये रेडमी का दिखाना पड़ेगा मेरे को। ये देखिए, ये है रेडमी का 9A। तो इसको आप देख ही सकते हैं, ये रेडमी का 9A फ़ोन है और इसके अंदर लेटेस्ट MIUI है और इसको हम आज अनलॉक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे पैटर्न लॉक लग रहा है और ये जो है खुल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम पावर ऑफ़ कर देंगे इसको। सबसे पहले तो पावर ऑफ़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम प्लस और पावर बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, अभी जो है पावर ऑफ हो चुका है, तो मैं दबाता हूँ और इन दोनों को एक साथ दबाने के बाद जो है रेडमी जब तक लिखा ना आ जाए तब तक जो है दोनों बटन को प्रेस करना है, उसके बाद पावर बटन को छोड़ देना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं अभी दबा के रख रहा हूँ और दबा के रखने के बाद इसके जब तक ये रेडमी लिखा नहीं आता तब तक हमें छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे केस में अभी नहीं आया, तो मैं दोबारा से इसको दबा लेता हूँ। बाकी आपको भी अगर नहीं आता है तो आपको भी ऐसा ही करना है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं दबा के रखता हूँ इसको और देखिए अभी नहीं आया है। तो ये देखिए, यहाँ पे आ चुका है रेडमी और ये वाइब्रेट भी करता है। तो आपको वॉल्यूम प्लस दबा के रखना है तब तक कि इस पर वाइब डाटा या रिकवरी मोड के अंदर ना चला जाए। ठीक है, तो इसको अभी देखिए हम वेट कर लेते हैं तब तक कि जो रिकवरी मोड के अंदर नहीं जाता है। तो मैंने दोबारा से इसको किया तो हो सकता है इसमें ये ऑन नहीं हुआ है, तो कुछ कारण है, तो फिर से मैं दोबारा से करूँगा इसको और जब तक कि ये रिकवरी मोड के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने दोबारा से इसको कोशिश किया हुआ है और दोनों को करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया और वॉल्यूम प्लस बटन को मैं दबा के ही रख रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे रिकवरी के अंदर आ चुका है और यहाँ पे मेन मेन्यू लिखा हुआ आ चुका है। तो हमें आना है वाइप डाटा के अंदर। तो वाइप डाटा के अंदर आने के लिए हमें जो है वॉल्यूम जो माइनस बटन है उसको प्रेस करके रखना है। तो मैं पहले कैमरे को अच्छी तरह से सेट कर लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये जो ट्यूबलाइट है मेरी वो थोड़ा परेशान कर सकती है आप लोगों को, तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ पहले मैं लाइट के इफेक्ट से और उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आपको ब्लैक स्क्रीन पे जो है आ रहा है देखिए बार बार, तो मैं इसको भी रख लेता हूँ ठीक से। थोड़ी वीडियो में थोड़ी परेशानी हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं इस वाइट डाटा पर आ चुका हूँ, तो इसको वॉल्यूम माइनस दबा करके देखिए सिलेक्ट करता हूँ, पावर से ओके कर देता हूँ। ऐसे ही हमें देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ कन्फर्म भी किया, तो ऐसे ही आपको भी कर लेना है। और ये देखिए आपका जो फ़ोन है उसका लॉक जो है खुल चुका है। तो अभी ये देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका पूरा डेटा जो है लॉस हो जाता है और यहाँ उठने में कम से कम ये 5 से 10 मिनट ले लेता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको वेट कर लेना है। तो मैं जैसे कि अभी वेट कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे वेट करना पड़ेगा। और इसको मैंने वीडियो को कट कर दिया है ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके, तो वीडियो को मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे MIUI पे भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है दोस्तों। Redmi के बाद तो खुल भी जाता है लेकिन ये MIUI पर बहुत टाइम तक के लिए अटक जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है। अगर मैं वीडियो बनाता तो कम से कम ये बहुत 20 से 25 मिनट की वीडियो हो जाती है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए जो है जल्दी इसको स्किप कर दिया हूँ। और इसको देखिए, स्किप करने के बाद ये कुछ टाइम ले लेगा, तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ यहीं पर और कुछ समय के बाद जो है इसमें ये खुल जाएगा। तो बाकी मैंने इसको स्किप तो किया ही हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम तक इसलिए स्किप नहीं किया ताकि आपको भी पता लगे कि हाँ इसमें जो है टाइम लगता है। और ये देखिए, अगर जी देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ऐसे होने के बाद यहाँ पे जो आपका वर्जन होगा इसके अंदर, तो वो जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस टाइम से आ जाएगा। बाकी आपके में MIUI कोई और भी हो सकता है, तो इसमें मेरे में 12.5.7 था, तो जिसमें 7 जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके बाद ये देखिए, मैं इसको अभी स्किप करते जा रहा हूँ और इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ जल्दी से ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। तो मैं इसको जल्दी सेटअप करता हूँ और इसको दिखाता हूँ। देखिए सेटअप तो जैसे आपको पता ही है कि आप इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप बाकी जो आप कंट्री से हों उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इंडिया को ही सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्किप दिस सेटअप को मैं क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मेरे वाईफाई शो कर रहा है, तो मैं अभी स्किप कर दूंगा क्योंकि स्किप मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है एक वीडियो और भी बनाने वाला हूँ, जो कि अगर आपका ऑफलाइन सेटअप अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर जो मैं वीडियो बना लूँगा FRP के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ सेटअप करके दिखाऊंगा। यदि आपका फ़ोन जो है एप्लिंग में फंस जाता है कहीं भी, या आपके में जो है पिन वगैरह मांगता है या लॉगिन डिटेल्स वगैरह मांगता है या आपका जो है मेल आईडी के डिटेल्स जो है मांगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा
तो देखिए, जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपसे 1 ही 2 दिन के अंदर जो है आपको FRP के बारे में भी सारी जानकारी दे दूंगा। यदि आप इसके अपलोडिंग के बाद जो है 2 से 3 दिन के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके बाद में जो है FRP का वीडियो भी हमारे वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है FRP आराम से बाईपास कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं दोस्तों, जो है मेरा फ़ोन जो है अनलॉक हो चुका है। यदि आपका ऐसे अनलॉक नहीं होता है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो आप ये भी बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि जो है तुम्हारे भाई की थोड़ी बहुत मदद हो सके। ठीक है, बाय बाय।